क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा ये होती है कि किसी भी गैशियस एटम से, फॉर एग्जांपल आपके पास ये बेटा एक एटम है और इस एटम से अगर आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने होल्ड किया होता है बेटा, तो इस अट्रैक्शन को ब्रेक करना होता है अगर आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हैं। तो हमने कल डेफिनेशन ये देखी थी, जो उसका जो समरी है उसकी, कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो भी एनर्जी आप देंगे हीट एनर्जी की फॉर्म में, दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली क्या करती है बेटा, इस अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक करती है जो किसके दरमियान है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान। जितनी अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी ना, उतनी आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और बेटा जितनी यहाँ पर अट्रैक्शन वीकर होगी, कहाँ पर, इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जितनी अट्रैक्शन वीकर होगी आपको उतनी कम एनर्जी देनी पड़ती है। तो अब जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, कब आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, कब आपको कम देनी पड़ेगी, तो उसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर नंबर वन कह रहा है द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, के जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतना न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल बेटा लिथियम लेते हैं जी, लिथियम के पास ना 3 प्रोटॉन्स होते हैं, ब्रिलियम हैज 4 प्रोटॉन्स, बोरॉन हैज 5 प्रोटॉन, कार्बन हैज 6 प्रोटॉन एंड नाइट्रोजन हैज 7 प्रोटॉन्स। आपके ख्याल में ये न्यूक्लियर पुल किसका ज्यादा है सबसे? अगर आप इन्हीं 5 एलिमेंट्स को देखें तो किसका न्यूक्लियर पुल बेटा ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके पास ज्यादा है? हाँ जी बेटा शाबाश, आंसर दें, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास, तो बेटा जितना न्यूक्लियर पुल, जितना प्रोटॉन आपका ज्यादा होगा ना, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उतना स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। और जितना न्यूक्लियर, तो इसमें अब मैं ये लिख सकता हूँ कि जो न्यूक्लियर पुल है या जो चार्ज ऑन न्यूक्लियस है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। कि बेटा जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे या जितना ज्यादा चार्ज होगा न्यूक्लियस के ऊपर, उतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना मुश्किल होगा। तो डायरेक्ट रिलेशन है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का विद आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, द मोर प्रोटॉन्स देर आर इन द न्यूक्लियस, द मोर पॉजिटिवली चार्ज द न्यूक्लियस इज एंड द मोर स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टू इट। ये भी सिर्फ एक पहला फैक्टर हमने पढ़ा है, सिर्फ एक फैक्टर की बेस पर डिसाइड नहीं करेंगे बेटा, और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को कंट्रोल करते हैं, लेकिन उनमें से जो पहला फैक्टर है दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने प्रोटॉन ज्यादा होंगे न्यूक्लियर पुल ज्यादा होगा और आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ये फैक्टर बेटा क्लियर है, नेक्स्ट फैक्टर पे आए। नेक्स्ट फैक्टर जी सर, अच्छा नेक्स्ट फैक्टर है बेटा हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। कह रहा है कि अट्रैक्शन फॉल्स ऑफ वेरी रैपिडली विद डिस्टेंस, जितना इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा होगा ना, उतनी अट्रैक्शन वीकर होती जाएगी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये बेटा, लिथियम हैज टू शेल, वेरी इट फैक्टर है जो क्या जी बेटा क्या कह रहे हैं, ये इसको फैक्टर कंसीडर कर सकते हैं जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को, दिस इज द सेकंड फैक्टर व्हिच कंट्रोल्स द आयनाइजेशन एनर्जी। अभी आप देखिएगा कैसे, ये मैं ग्रुप के ना एलिमेंट्स, फर्स्ट ग्रुप के दो एलिमेंट ही चल लिखता हूं, ये बेटा ऊपर है लिथियम और नीचे है बेटा सोडियम। आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने बेटा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना होता है ना, आप जरा देखिए जो
वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसको मैं बेटा ये ब्लू कलर से चले शो कर रहा हूं, किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन? लिथियम का या सोडियम का? फॉर अवे है फ्रॉम द न्यूक्लियस, ज्यादा दूर है फ्रॉम द न्यूक्लियस। अभी आप सिर्फ डिस्टेंस की बेस पर बताएंगे, सोडियम का ज्यादा दूर है। यस, तो बेटा सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है। तो आप मुझे ये बताएं, डिस्टेंस के बढ़ने से अट्रैक्शन क्या हो जाती है? डिस्टेंस यहां पर बढ़ गया तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी भाई, वीक या स्ट्रॉन्ग? सर डिस्टेंस बढ़ गया तो अट्रैक्शन वीक हो जाएगी। वीक अट्रैक्शन है, वीक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जबकि बेटा लिथियम के केस में आप देखें छोटा साइज है ना एटम का, तो यहां पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। बट आप कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा आपके ख्याल में? अगर आप सिर्फ साइज की बात करें, अभी आप प्रोटॉन्स को इग्नोर कर दें क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ जो फैक्टर पढ़ रहे हैं वो भी डिस्टेंस वाला पढ़ रहे हैं, तो जहां पर डिस्टेंस कम होगा वहां पर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी। तो डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा ना बेटा इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से, उतनी आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ये बात ठीक है बेटा? सेकंड फैक्टर में ये बात ठीक है ना, कि जितना इलेक्ट्रॉन मोर डिस्टेंट होगा आपको उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। सही। तो दो फैक्टर बेटा अभी तक हमने पढ़े। पहला फैक्टर हमने पढ़ा है न्यूक्लियर पुल, दूसरा फैक्टर हमने पढ़ा है डिस्टेंस। न्यूक्लियर पुल का मतलब था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कि जितने प्रोटॉन बढ़ेंगे जो अट्रैक्शन है। बेटा आपने ना ये वर्ड नहीं भूलना, बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी का ताल्लुक है अट्रैक्शन के साथ, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने बेसिकली इस अट्रैक्शन को देखना कि न्यूक्लियर पुल के बढ़ने से ये अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो रही है। यस स्ट्रॉन्ग हो रही है, more energy is required to remove the electron. Distance के बढ़ने से ये attraction strong हो रही है या weak हो रही है? बेटा weak हो रही है, तो less energy is required to remove the electron. अब हम आते हैं बेटा third factor के ऊपर, कि third factor क्या है? जिन बच्चों ने बेटा late join किया है वो जल्दी से ये सुन ले बस, कि हम factors पढ़ रहे हैं ionization energy के। Ionization energy हमने कल पढ़ा था, किसी भी gaseous atom से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी होती है दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, मैंने इस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है, तो जो मैं एनर्जी दूंगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए फ्रॉम दिस एटम, उस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। फैक्टर्स क्या है जी आयनाइजेशन एनर्जी के? तो पहला फैक्टर है चार्ज ऑन द न्यूक्लियस या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या मतलब बेटा? कि न्यूक्लियस में जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे ना, मैं ये लेफ्ट टू राइट मूव किया, मैंने लेफ्ट टू राइट पीरियड में जितने ज्यादा आपको देखें यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लिथियम के पास 3, ब्रिलियम के पास 4, बोरॉन के पास 5, कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 7। तो जितने प्रोटॉन्स बढ़ेंगे जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर वो स्ट्रांग होता जाएगा और मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है एज कंपेयर टू कार्बन। वाई? क्योंकि नाइट्रोजन हैज मोर न्यूक्लियर पुल। कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है एज कंपेयर टू बोरॉन। क्यों? क्योंकि कार्बन हैज मोर न्यूक्लियर पुल। तो पहला फैक्टर बेटा हमने पढ़ा चार्ज ऑन द न्यूक्लियस या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कि जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। सेकेंड फैक्टर बेटा जो हमने पढ़ा अभी, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया लिथियम और सोडियम की। लिथियम में जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल में, सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो थर्ड शेल में। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन इज मोर डिस्टेंट, इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर होगा फ्रॉम द न्यूक्लियस देयर इज अ वीक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और लिथियम के केस में बेटा इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस है तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, तो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो इसमें रिलेशन क्या बनेगा?
डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी. जितना इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी. दो फैक्टर्स तो बेटा बड़े सिंपल से हैं. अब जरा तीसरे फैक्टर्स पे बेटा आते हैं कि थर्ड फैक्टर क्या है. थर्ड फैक्टर इज शील्डिंग इफेक्ट. बेटा इसको भी हम देखते हैं. मैं पहले नीचे डायग्राम भी बनाता हूँ, यहीं पर ही बेटा बना देते. बेटा मैं यहां पर ना एक सोडियम का एटम बना रहा हूं, सोडियम का एटम का स्ट्रक्चर, और फिर हम शील्डिंग इफेक्ट को देखते हैं कि व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट. ये है जिसका न्यूक्लियस सेंटर में, ये है जी सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स. ये सोडियम का बेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है. उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं. सेंटर में है बेटा न्यूक्लियस, ये जो येलो कलर से मैंने मार्क किया है, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा. अब यहां पर ना जरा हम पहले इसको देख लेते हैं. कंसीडर अ सोडियम एटम विद इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर 281, ठीक है. पहले शेल में बेटा दो इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में 8, थर्ड शेल में 1. इफ द आउटर इलेक्ट्रॉन्स बेटा ये वाला ही जो मैंने येलो कलर से मार्क किया है, if the outer electron looks in towards the nucleus, matlab ye sirf samjhane ke liye is tarah ki wording use kar raha hai looks in, warna aapko pata hai electron dekh to nahi sakte, sirf samjhane ke liye ki if the outer electron looks in towards the nucleus it does not see the nucleus sharply. beta keh raha hai agar ye electron jo hai na nucleus ko dekhne ki koshish karega to nucleus isko sharply nazar nahi aayega. kyun nazar nahi aayega aapke khayal mein beta? क्यों नजर नहीं आएगा? अगर ये आउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को देखने की कोशिश करता है तो इट डज नॉट सी द न्यूक्लियस शार्पली. रीजन ये है कि बिटवीन इट एंड द न्यूक्लियस देयर आर टू लेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एंड सेकंड लेयर. कह रहे भी इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान दो लेयर्स है बेटा इलेक्ट्रॉन की, उसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस शार्पली नजर नहीं आ रहा, ठीक है. बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, मैं यहां लिख रहा हूं दी इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. बेटा अभी सिर्फ आप ये समझ लें कि शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है. द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि इन शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये जो दरमियान में 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये जो बीच में 10 इलेक्ट्रॉन है शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इन शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो न्यूक्लियस का होल्ड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए या वीकर होना चाहिए, ये मुझे बता दे बस. शाबाश. शील्डिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा या वीकली अट्रैक्ट करेगा, आप लोग क्या कहते हैं? जी बेटा सर वीकली अट्रैक्शन वीक होगी या नहीं होगी आपके ख्याल में, क्या होनी चाहिए? वीक वीक. मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं. पहले एक सिंपल सी एग्जांपल समझ लें. इस फैक्टर को हमने बड़े डिटेल में समझना है बेटा. एग्जांपल मैं आपको ये देता हूं, चलें एक समझने के लिए. टीचर बेटा क्लासरूम में और ये बेटा एक स्टूडेंट है जो आखिरी रो में बैठा हुआ और ये बीच में खाली चेयर्स है. सपोज करते हैं कि अभी दरमियान में बच्चे नहीं बैठे हुए, सिर्फ आखिरी रो में ये बच्चा बैठा हुआ है और सामने टीचर है. तो टीचर का 100% फोकस किसके ऊपर है? स्टूडेंट के ऊपर है ना, और बीच में कोई भी नहीं है. लेकिन जैसे जैसे बेटा यहां पर स्टूडेंट आते जाएंगे तो टीचर का जो इंटरेक्शन है
आखिरी वाले स्टूडेंट के साथ, वो इन स्टूडेंट के आने से अब ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये है शील्डिंग स्टूडेंट्स, इनको आप कह सकते हैं शील्डिंग स्टूडेंट्स, कि इन्होंने आखिरी स्टूडेंट को शील्ड किया है, शील्ड कर दिया, बीच में एक रिकावट बन गया। इसी तरीके से बेटा यहां पर भी है कि बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उनको बोलते हैं शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जितने शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उतना न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जरा इसको बेटा एक हम कंप्लीट पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको मजीद एग्जांपल्स देता हूं। कह रहा है कि इफ द आउटर इलेक्ट्रॉन लुक्स इन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, इट डज नॉट सी द न्यूक्लियस शार्पली, बिटवीन इट एंड द न्यूक्लियस देयर आर टू लेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आगे इसकी बात सुनिएगा। द 11 प्रोटॉन्स इन द सोडियम न्यूक्लियस, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, ठीक है, सेंटर में, हैव देयर इफेक्ट कट डाउन बाय 10 इनर इलेक्ट्रॉन। कह रहे कि ये जो 10 शील्डिंग इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये 11 प्रोटॉन्स के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं या कट डाउन कर रहे हैं, तो जो नेट अट्रैक्शन होगी या जो नेट पुल होगा इस न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, वो कितना होगा, +1 होगा। द आउटर इलेक्ट्रॉन देयरफॉर ओनली फील्स अ नेट पुल ऑफ अप्रोक्सीमेटली +1। इसका कहने का मतलब बेटा ये है कि अगर आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखें ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना पुल फील कर रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बेटा उसका तरीका ये है कि आप इस तरीके से निकालें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस, देखिए जरा फॉर्मूला लिख लें इसको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 11, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा सोडियम में, 10। आंसर क्या आ रहा है आपका, 1 ना, 1 आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा बेटा? तो इसका मतलब यह हुआ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फील कर रहा है वो एक प्रोटॉन की कर रहा है बस, जो 11 प्रोटॉन थे उनका इफेक्ट कैंसिल आउट किया है किसने, 10 इनर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ने। ठीक है, तो अब आपको बेटा एक रिलेशन यहां समझना है, पहले मुझे बल्कि आप बताएं कि शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के इंक्रीज होने से न्यूक्लियर अट्रैक्शन के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है न्यूक्लियर अट्रैक्शन या वीक होता है? जी बेटा, शील्डिंग इफेक्ट वीक हो जाएगा, और कम एनर्जी चाहिए होगी या ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए? कम। मैं आपको इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स बेटा पहले एग्जांपल्स पूछता हूँ, फिर हम बेटा इसके ट्रेंड्स पढ़ेंगे। लिथियम बेटा देखें, लिथियम के पास यहां पर ये है, दो शेल है सिर्फ, सोडियम अच्छा, उसके बाद है जी पोटाशियम। ये बेटा ग्रुप में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ग्रुप मैंने इसको लिखा यहां पर हॉरिजॉन्टल है, लेकिन ये ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इन तीनों को सिर्फ देख लेते हैं, ये सेंटर में है न्यूक्लियस, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सेंटर में बेटा न्यूक्लियस एंड दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सेंटर में बेटा न्यूक्लियस और ये है जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मुझे आप बताएं लिथियम में शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स SE लिख रहा हूं बस, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लिथियम में कितने हैं? जी बेटा लिथियम में शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, शाबाश आंसर दें,
शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर हां दो हैं व्हिच आर इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सोडियम में कितने होंगे बेटा? 8 या 10. और पोटेशियम में कितने होंगे भाई शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स? 18. तो देखिए ग्रुप के अंदर जब हम ग्रुप के अंदर मूव करते हैं, ये ग्रुप है बेटा, लिथियम के नीचे सोडियम आ रहा है फिर पोटेशियम, तो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं. okay? तो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच आर प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे बढ़ेंगे न्यूक्लियर अट्रैक्शन वीक होता जाएगा ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अब बेटा इस तरह करते हैं, जरा ट्रेंड को अब स्टडी करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होगी, फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होगी. ठीक है, तो हम पहले बेटा ग्रुप में स्टडी कर लेते हैं. तीन फैक्टर आपने भूलने नहीं है भाई, ये तीन फैक्टर्स की बेस पर डिसाइड करेंगे, किसी एक फैक्टर की बेस पर डिसाइड नहीं करना आपने. पहला फैक्टर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या इसी को आप कहते हैं न्यूक्लियर पुल. सेकंड फैक्टर इज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस. थर्ड फैक्टर इज शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या शील्डिंग इफेक्ट. इन तीन फैक्टर्स के बेस पर हमने आयोनाइजेशन एनर्जी का इफेक्ट बताना है. अच्छा, लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम. लिथियम का बेटा एटॉमिक नंबर है 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर है 19, रुबिडियम का आ गया जी 36 या 37. ठीक है बेटा, इसको चेक कर लेंगे, 36 या 37 में से एक है. अब बेटा हमने ये बताना है कि डाउन द ग्रुप जब आप मूव करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी. वैसे आप लोग सोच के बताएं, आप लोग क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालना लिथियम से आसान है, सोडियम से, पोटाशियम से या रुबिडियम से? सर रुबिडियम. रुबिडियम से आसान है आप लोग कह रहे हैं. अच्छा, रीजन भी बेटा बताएंगे कोई कि आपके ख्याल में क्या रीजन है? सर रुबिडियम में ज्यादा शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं. नहीं, सिर्फ एक फैक्टर की बेस पर बता रहे हैं बेटा, तीनों फैक्टर हमने स्टडी करने हैं, एक फैक्टर की बेस पर आंसर नहीं. अगर मैं ये कह दूं, चलें मैं ये कह दूं, डिफरेंट डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियर एंड द अदर इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, मैं अगर इस तरह क्वेश्चन करूं तो आप मुझे कैसे बेटा आर्ग्यू करेंगे, कौन सा आर्ग्यूमेंट देंगे? मैं अगर कहूं जी के आपने कहा है कि रुबिडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, मैं कहता हूं भाई रुबिडियम हैज मोर न्यूक्लियर पुल, इसका तो न्यूक्लियर पुल ज्यादा है, तो इससे इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना आसान है? आपकी बात वैसे बिल्कुल ठीक है कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, कि रुबिडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, लेकिन पहले मुझे इस क्वेश्चन का फिर आंसर दे दे कि रुबिडियम हैज मोर न्यूक्लियर पुल, अगर न्यूक्लियर पुल ज्यादा है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना कैसे आसान होगा? हाँ जी बेटा, तो आप लोग कहेंगे कि सर सिर्फ एक फैक्टर को ना देखें, हमने इन तीन फैक्टर्स को देखना है फिर हमने डिसाइड करना है, सिर्फ एक फैक्टर की बेस पर डिसाइड नहीं करना. तो बेटा पहले हम चले बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके सबसे ज्यादा है जी? प्रोटॉन्स रुबिडियम. चले ये मान लेते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रुबिडियम के ज्यादा है, लेकिन अभी हम पहले सेकंड फैक्टर और थर्ड फैक्टर को देखते हैं. डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिथियम का इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है, पोटाशियम का इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में और रुबिडियम का इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल में. तो आप बताएंगे डाउन द ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डाउन द ग्रुप
वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर डिस्टेंट फ्रॉम न्यूक्लियस, पहली चीज। अच्छा, ये आपने पहला बता दिया। दूसरा फैक्टर बेटा बताएं, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जब आप डाउन द ग्रुप बेटा आएंगे, डाउन द ग्रुप, जरा मैं शील्डिंग इलेक्ट्रॉन बेटा बनाता हूं, इसके लिथियम के दो हैं, सोडियम के कितने शील्डिंग इलेक्ट्रॉन है बेटा? 10। सोडियम के शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई, काउंट कर लें, शाबाश। 10 10 है। पोटेशियम के कितने हैं बेटा, पोटेशियम के कितने हैं? 18। तो आप मुझे ये बताएं कि डाउन द ग्रुप शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। तो मैं लिखता हूं, डाउन द ग्रुप शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो इंक्रीजेस। बेटा ये जो दो फैक्टर्स हैं, ये जो दो फैक्टर मैंने लिखे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर डिस्टेंट डाउन द ग्रुप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर हो गया, और डाउन द ग्रुप जो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो भी आपके क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये दो फैक्टर क्या करेंगे, Above two factors offsets the offsets का मतलब बेटा cancel कर देगा जो increased nuclear pull है, increased nuclear pull in rubidium, hence rubidium has lowest ionization energy। बेटा देखिए मैंने ये लिखा है कि आपने ये जो तीन फैक्टर बेटा अभी हमने लिखे ना, यहां पर एक फैक्टर ऐसा था जो कि रुबिडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी को बढ़ाने के लिए बेटा आप यूज कर सकते थे कि आयोनाइजेशन एनर्जी रुबिडियम की बढ़ रही है, लेकिन ये दो फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, रुबिडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी को कम कर रहे हैं। कैसे, डिस्टेंस को देख लें, रुबिडियम इलेक्ट्रॉन इज मोर डिस्टेंट फ्रॉम द न्यूक्लियस, दूसरी चीज देयर आर मोर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन रुबिडियम। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं बेटा, ये रुबिडियम के इंक्रीज न्यूक्लियर पुल के इफेक्ट को कैंसल आउट कर रहे हैं, और ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलेगा कि रुबिडियम हैज लेस आयोनाइजेशन एनर्जी। जी बेटा मुझे ये बताएं, ये बात समझ आई है मेरी, कि ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी कम क्यों होती है? हां जी बेटा, यस सर। बेटा अब देखें, आप ये भी देखें कि बेसिकली फैक्टर हैं तीन जिन्होंने आयोनाइजेशन एनर्जी को कंट्रोल करना है। आपने उन तीनों फैक्टर्स में से ये देखना है कि ज्यादा फैक्टर्स कौन से आयोनाइजेशन एनर्जी को कम या ज्यादा कर रहे हैं। तो इन तीन फैक्टर्स में से आप देखें कि दो फैक्टर्स ऐसे थे जो आयोनाइजेशन एनर्जी को कम कर रहे हैं डाउन द ग्रुप, तो ओवरऑल आप उसी तरफ जाएंगे जहां पर ज्यादा फैक्टर्स कम या ज्यादा कर रहे होंगे। आपको बेटा एक और चीज भी देखें, मैंने भी आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला बताया था ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बेटा फॉर्मूला ये था, अगर किसी बच्चे को ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वाली बात क्लियर नहीं हो रही तो वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला यूज करे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बेटा जरा ये फॉर्मूला यूज करके मुझे बताएंगे लिथियम के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है तीन, तीन प्रोटॉन्स हैं बेटा लिथियम के पास और शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं दो, तो नेट चार्ज क्या आएगा, वन प्लस वन आ गया। तो न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर लिथियम इज प्लस वन। सोडियम के लिए बताएं जी, सोडियम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 11। शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, काउंट कीजिएगा जरा, 10 है। तो बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगेन वन। पोटेशियम के लिए देखें 19 प्रोटॉन्स, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बेटा कितने हैं, 18। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज अगेन वन प्लस। तो याद रखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो नेट चार्ज है वो तो सेम आ रहा है क्योंकि बीच में शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं,
वो जो न्यूक्लियर पुल आपका बढ़ रहा था ना उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज सेम। तो फिर बेटा आप देख लेंगे डिस्टेंस की बेस पर डिसाइड कर ले कि लिथियम का इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है, सोडियम का थर्ड में, पोटेशियम का फोर्थ में, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। अब जरा बेटा मैं सेकंड पीरियड सेकंड ग्रुप की बात करता हूं। सेकंड ग्रुप ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, इसके पास है चार प्रोटॉन्स हैं, 12 प्रोटॉन्स हैं, 20 प्रोटॉन्स। बेटा बताएं जी डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी अगर आपसे पूछता है एक्सप्लेन दी आयोनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड इन सेकंड ग्रुप, तो आपने बेटा क्या बताना है जी? सबसे पहले बताएं कि डाउन द ग्रुप जब आप मूव करेंगे तो बेटा आपके जो डिस्टेंस है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन का उसके बारे में सोचें। देखें बेरियम हैज टू शेल्स, मैग्नीशियम हैज थ्री शेल्स, कैल्शियम हैज फोर शेल, स्ट्रॉन्शियम हैज फाइव शेल्स। तो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बेटा क्या हो रहा है जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं? इंक्रीज। तो आप बेटा पहली चीज ये बताएं क्योंकि आपने उन तीनों फैक्टर्स की बेस पर बेटा डिसाइड करना है ना, तो आप बताएंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर डिस्टेंट फ्रॉम न्यूक्लियस when we go top to bottom in group, group की बात हो रही है। अच्छा बेटा दूसरा फैक्टर बताएं शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ब्रिलियम में शील्डिंग इलेक्ट्रॉन दो हैं, मैग्नीशियम में शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बेटा 10 हैं, कैल्शियम में शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बेटा आपको नजर आ रहे हैं 18। तो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी बेटा बढ़ रहे हैं, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अच्छा बेटा आपने ना बेसिकली ये बताना है कि ट्रेंड क्या हो रहा है, बस दो फैक्टर्स ही क्योंकि टोटल फैक्टर है तीन, तीन में से दो फैक्टर जो डिसाइड करेंगे वही होगा, जो पीछे एक फैक्टर बच जाएगा वो बेटा फिर डोमिनेंट नहीं रहेगा। तो दो फैक्टर्स आपने बता दिए ये मोर देन एनएफ है, बस आप नीचे रिजल्ट निकालेंगे कि शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर डिस्टेंस। सो ये जो दो फैक्टर्स हैं इनकी वजह से अट्रैक्शन क्या हो रही है बेटा आप मुझे बताएं, इन दो फैक्टर्स की वजह से न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है? कम हो रहा है बेटा। सो less ionization energy is required, ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर होगा। आपको ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि इंक्रीज न्यूक्लियर पुल, क्यों? क्योंकि तीन में से जो दो फैक्टर डिसाइड करेंगे वही होगा। तो बेटा अभी हमने सिर्फ ग्रुप में देखा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं ये पीरियड के अंदर, बेटा इंपॉर्टेंट है पीरियड का, जो पास्ट पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं ना ट्रेंड वो बेसिकली पीरियड्स में पूछता है। देखें वहां थोड़ा सा ना आपको zigzag manner नजर आ रहा है, ये लिथियम के बाद ब्रिलियम के बाद फिर कम हो रहा है फिर ज्यादा हो रहा है, यहां पर भी देखें एक डिप आपको नजर आ रहा है। तो पीरियड्स के अंदर जो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वो बच्चों से ज्यादा पूछता है। तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे, भी जाइएगा मत, मैं अटेंडेंस ले लूं बेटा एक मिनट।